कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पिछले 5 सालों में किए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया है कि मोदी ने आपसे जो वादे किए थे वह पूरे नहीं किए, लेकिन अनिल अंबानी को राफेल सौदे से 30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा मिला। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद की बात करते हैं और उन्होंने सबसे बड़े रक्षा सौदे से ऐसे व्यक्ति को जोड़ा जिसने एक विमान तक नहीं बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कोल्लम जिले के सेंट स्टीफन कॉलेज में मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोलते हुए यह आरोप भी लगाया है कि देश भाजपा और आरएसएस के हमलों का सामना कर रहा है और कांग्रेस तथा भाजपा के बीच विचारधारा की लड़ाई जारी है। भाजपा आरएसएस हम पर कितने भी हमले करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्रेम एवं अहिंसा के जरिए आपको यह बताएंगे कि आप गलत हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जैसा कि पीएम ने कांग्रेस मुक्त भारत कहा था, जिसका अर्थ है कि हम भारत से कांग्रेस का विचार मिटा देंगे, कांग्रेस नरेंद्र मोदी से यह कहती है कि हम आपसे सहमत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लड़ेंगे और फिर भी गलत हम आपको ही चुनाव में हरा देंगे, लेकिन हम आपके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।